तो गोलू क्यों जाएंगे हम कल बताओ? अरे बताओ बताओ ना भाई, इस बंदे के वजह से ये पूल में जान नहीं दे रहा, तो देख लो भाई। पहाड़ी पथ अ ट्रैवल सीरीज, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में मैं हूं अभिनय बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ी पथ अ ट्रैवल सीरीज। सो दोस्तों, मैं हूं अपने गांव मांगली बरसाली और आज से आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे सारे भाइयों के साथ। तो वीडियो में बने रहे, देखते हैं दिन भर क्या क्या होता है, वो सब आपको दिखाया जाएगा, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अज्जू बॉस, गुड मॉर्निंग। देखो हम इधर दरवाजा खोलते हुए। पोली डांस कर रहा था, अच्छा खासा। आप क्यों आए बीच में? क्या कर रहे तुम? पोली डांस कर रहा था पर आप लोग आ गए। पोली एक डांस दिखा दिया। अब कहाँ जाएंगे गोपी जी? वो चलते हैं हम लेंगड़े के लिए। सब्जी, जो सब्जी खाई जाती है लेंगड़े की, गढ़वाली में इसके लिए लेंगड़ा बोला जाता है। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि क्या प्लान बनता है हमारा, क्योंकि पानी क्यों नहीं भर पा रहे हम, क्योंकि नीचे चल रही है रोपाई। नीचे चल रही है रोपाई और नाच पाड़ने के लिए सरल पड़ जाता है। तो गोपी भाई बताओ फिर क्या करा जाए अब? तो भाई लोगों, हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? चलते हुए टूरिस्ट में कहाँ चल रहे हैं? कपल्याणी के ऊपर। कपल्याणी में क्या करेंगे? कपल्याणी में पिक्चर बनाएंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, ये है भांग के पेड़, इसको हाथ में रगड़ते हुए नशा हो जाता है। नशा भांग बोला जाता है इसके लिए गढ़वाली में। अच्छा जी, और इसको तब पीते हैं चिलम में। हाँ, और फिर होता है गंदा वाला नशा, तब होता है गांजा वाला नशा। हाँ, फिर सर जनरेटर की तरह घूमता है। हाँ, तब दिमाग। सो ऐसा कुछ है हमारा गांव का नजारा और सारे भाई लोग बैठे हैं हमारे गांव में। उगते क्या? उगते हैं आलू। क्या उगते हैं बे? नानी पूरा। कहाँ काटा तू ये? बिच्छू ने काटा था। कहाँ पे दिखाओ। सो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये हल्का सा निशान यहाँ पे बिच्छू ने काटा था। तो फिर क्या क्या हुआ? फिर जलन पड़ी थोड़ी सी। अच्छा, फिर हम गए मलान गांव, वहां से नाना जी के पास गए, उन्होंने करा कुछ। अच्छा, तंत्र मंत्र किया। और फिर तब पहले तबीयत कैसी थी और फिर अब कैसे हो गई है? कुछ नहीं, सुन हो गया था थोड़ा हाथ। अच्छा, बस फिर सब कुछ सही हो गया। हां जी। तो आज फिर जाना चाहोगे क्रिकेट खेलने? हां जरूर। तो यही है आजकल के यूथ में जलवा, मतलब कि सांप काट दे, कुछ काट दे, पर तसल्ली नहीं होती इनको, इनको जाना है फिर वहीं पे। तो ये डेयरिंग वाले गेम है। तो यहाँ पे गोपी जी एक अलग सा चमत्कार दिखा रही है, पहले जमाने में बहुत खतरनाक होता था और ये भी पहले जमाने के हैं। दिखा इधर आओ, अब दिखा क्या करने वाले तुम, ये बताओ पहले। इससे छापा पड़ जाता है हाथ में। तो जो लोग बड़े बड़े टैटू आर्टिस्ट है तो उनके पास ना जाइए, गोपी के पास आइए। और सही बता रहा हूँ मैं आपको, 1000 रुपए में गोपी भाई यही छाप के देगा तुम्हें। देखो और ये देखो, और ये देखो, गोपी भाई ने खाली 5 सेकंड के अंदर पूरा टैटू तैयार कर दिया। तो शक्ल देख लीजिए इस बंदे की, ठीक है? ये कहीं पे भी मिले आपको, एक स्माइल। दोस्तों यहाँ पे हमारा पूल का प्लान बन रहा था, पर क्या हो गया है कि गोलू भाई ने हमें मना कर दिया है। गोलू भाई ने बोला आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो गोलू भाई क्यों जाएंगे हम कल बताओ? अरे बताओ बताओ ना भाई, इस बंदे के वजह से ये पूल में जान नहीं दे रहा, तो देख लो भाई। अगर प्रधान जी इसको देख रहे हो तो इसको पकड़ लेना पहले। हाँ भाई बताओ। आज गोलू भाई अरे बोलेगा हैं? ये बोलेगा। ये क्या बोलेगा, तुम भी बोलो पहले। नीचे रोपड़ी चल रही है ना? अच्छा, दूसरे गांव में। अच्छा, तो यहाँ से पानी मिल जाता है। अच्छा भाई, क्या बोलना चाहोगे? प्लान कैंसिल हो गया। सीरियस प्लान कैंसिल हो गया, आप तो दुखी प्राप्त कर सकते हैं वैसा गोलू भाई की वजह से। और अक्षित भाई साहब बताइए आप क्या है फिर? क्या कर सकते हैं हम बताओ? क्या आप कल ही नहाना पड़ेगा? अच्छा, कल ही नहाना पड़ेगा वह। आप क्या कराओगे फिर, बॉलिंग? हम देखते हैं। तुम देखोगे? तो कल दो ओपनर गए थे। अच्छा, फर्स्ट में ओपनर कौन? और बिटुल भाई और गोलू। और उन्होंने 6 ओवर में पिटा दिए पहले 44 रन। अच्छा,
और दोनों गए ओपनर और चार ओवर में चार रन बनाए दोनों ने। अच्छा, चार रन बनाए। सो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक पटाखा जो गोपी जी ने यहाँ पे अपने मर्जी छाप से पटाखा फोड़ते हैं, हम गढ़वाली में पत्तों से फोड़ते हैं। देखा, वाह 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 वाह, आवाज सुना होगा आपने। देखो, वाह बहुत बढ़िया। ये देखो गढ़वाली का पटाखा। इसके लिए बोलते हैं गढ़वाली में पास्या। जैसे किसी की चोट लग जाती है तो इसको मारते हुए और रस आता है इसके अंदर से। अच्छा, तब चोट में लगाते हैं और दो दिन में ठीक हो जाता है, खून भी रुक जाता है और ठीक भी हो जाता है। तो बस, तब चलो अब। ये है गढ़वाली की हिसर, इसको हम खाते हैं। अरे गुप्पी भाई, वहाँ पे टॉयलेट की दिकल किसी ने। क्या हुआ था? टॉयलेट की दिकल वहाँ पे किसी ने और वो ही खा लाई। चलो तब इसको फेंक देते हैं, तब क्या करें। टेस्ट कर लो, जैसा नमकीन टेस्ट आएगा तो तू ही कर ले। मैंने पहले भी बताया था आपको, ये पीलिया का काम भी आता है। देखो ये धनिया तो देख लो, ये पीले ठीक करने के काम आता है। जैसे ये पीले हैं अंदर से बीज, ऐसे ये बाहर से अभी तो हरे हैं, ये कच्चे हैं अभी। जैसे ये अंदर से बीज, वैसे हम गोभी को लेंगे खींच। ऐसे ये बहुत बड़ा नीच पिटने वाला। शनिवार चलते हैं डाल। शनिवार को गोलू भाई, अब कब जाएंगे? शनिवार को कहाँ जाना है? बगीचे में जाएंगे, बगीचे में, अपने सेब के बगीचे में। और दो ले जाएंगे घरिया मुर्गे। अच्छा, और इसको जंगली में बनाएंगे और खाएंगे और एंजॉय लेंगे। अरे भैया, अंग्रेजों के बच्चे कहाँ होते हैं? क्यों नहीं होते अंग्रेजों के बच्चे, ये सो दो रखे। पत्थर एक उसकी कमर रहेगा कि कमर ही रहेगा। फिर क्या हुआ? बस मर गया, फिर और क्या। वाह, एकमात्र वॉशिंग मशीन यहाँ पे। मेरे कल के सॉक्स भी है, जुराब दे दो। जूते देख रहे हैं आई है वो। ये पापा कपड़ों की लगाओ ढक्कन। एक ज्यादा भी मत भाई। सो दोस्तों, अभी बात ऐसी है कि वीडियो हो चुकी थी ऋषिकेश से उत्तरकाशी वाली बिल्कुल रेडी, पर बात यह है कि यहाँ गांव में अभी नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, मेरा सिम है जियो का। तो अभी हमें जाना होगा लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, तो मैं जा रहा हूँ अपने भाइयों के साथ। हमें जाना होगा 2-3 किलोमीटर दूर, जो कि हम जाने वाले स्कूटी से। तो मिलते हैं आपको सीधे जहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी है। तो ऐसे हैं हमारे हरे भरे खेत, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ऐसे है हमारे गांव के खेत, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है, रोपनी लग चुकी है। तो दोस्तों, यहां पे होती हैं सारी गाड़ियां खड़ी। अभी हम निकलते हैं और जाते हैं और देखते हैं, अगर नेटवर्क आए तो जल्दी से अपलोड हो जाएगी और आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी वीडियो अपलोड करने और मिलते हैं आपको नीचे। मौसम हो रखा है बहुत ही प्यारा, चारों तरफ शुद्ध वातावरण, मतलब मज़ा आ गई यार जब से गांव में आए हैं। बाकी दिन में कुछ प्लान किया है वो आपको जल्दी पता चलेगा, देखते हैं आप वो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। बाकी जब सारे भाई आएंगे मैं आपको सारे भाइयों से मिलाऊंगा अपने। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पे, देख सकते हैं यहां पे आता है नेट।
अभी हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं अपनी वीडियो। तो अभी अपलोड करने के लिए नीचे नागपुरी की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे स्पीड आती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आ तो रही थी पर बहुत ही हल्की आ रही थी, और फाइल है 2 GB की, और देखते हैं यार 2 GB फाइल अपलोड हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो वीडियो में बने रहे, और आप सोच ही सकते हैं कि एक ब्लॉगर की लाइफ कितनी टफ होती है। सोचो, वीडियो शूट करो, एडिटिंग करो, फिर अगर नेट ना मिले तो देखो कितने दूर दूर जाना पड़ता है खाली एक वीडियो के लिए। फोटो के लिए वो वीडियो खाली 7 मिनट की वीडियो होगी, पर देखो कितनी मेहनत लगती है। सो दोस्तों, अभी हम इस जगह पे आए हैं, आप देख सकते हैं नेट की स्पीड बहुत सही पकड़ी है, तो देखते हैं अभी अगर अपलोड होता है तो आप लोग ये वीडियो देख पाएंगे। तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो अपलोड करने के लिए। लगभग हम 5-6 किलोमीटर नीचे आए हैं, तब जाके हमें एक सही नेटवर्क मिला है। सो दोस्तों, फाइनली हो चुका है ब्लॉग अपलोड। 2 घंटे हम यहाँ रहे हैं धूप में, तो बहुत मेहनत लग गई थी। तो बस यही है कि आप लोग सपोर्ट करिए, और वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी गांव की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी डेली व्लॉग्स आने वाले हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट देते रहिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। पथ अ ट्रेवल सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।